हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 अ गर्ल विद बास्केट, पहले वीडियो में हम लोगों ने 3 पैराग्राफ देखा था, आज हम लोग 4th पैराग्राफ देखेंगे। यह द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. कराए कि टोकरिया बेचने वाले, the children selling baskets, टोकरियाँ बेचने वाले ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के थे। टोकरियाँ बेचने वाले ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के थे, जो शरणार्थी अभी पिछले पैराग्राफ में जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़कर के भारत आए थे, इधर उधर बसे थे, उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे हैं। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज। दे और देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज, इन्हीं शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। बता रहे हैं लेखक, ऐसा कह रहा है कि वे इन शहरों में दुकानें लगाकर, साधारण चीज़ें बनाकर वहाँ के बाज़ारों में बेचने लगे, इस प्रकार अपनी आजीविका चलाने का प्रयास करने लगे। जहाँ पहले से भीड़ थी ओवर क्राउडेड। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। बता रहा है कि वे कपड़ों तथा घास से छप्पड़ बनाकर, साया बनाकर वहाँ रहते थे। इनकी कतारें गलियों में लगी थी, गलियों में ये लोग अपना टेंट तंबू लगा करके रहा करते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एग्जिस्ट $100 अ ईयर। देखिए, द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो लोग, पीजेंट्स मीन्स किसानी करना, किसान, इन शरणार्थियों में जो खेती करते थे, किसानी करते थे, वे अपने हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम। वे अपने पूरे जीवन में थोड़ी सी कमाई से आजीविका चलाने के आदि थे। आजीविका फॉर द एनुअल इनकम ऑफ, क्योंकि खेती करने वाले परिवार की जो एनुअल इनकम थी, एक वर्ष की आमदनी कमाई लगभग $100 अ ईयर, लगभग $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। एक सामान्य अकुशल श्रमिक, एक सामान्य अकुशल जिसके पास हुनर नहीं है, उस मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी लगभग 3 सेंट होती है, 3 सेंट होती है, अथवा एक सप्ताह में $2। देयर इज 1 मील अ डे, इनके जो भोजन की बात कर रहा है, एक दिन, वह दिन में एक बार ही भोजन जुटा पाता है। देयर इज 1 मील अ डे एंड ऑन एन अ पीस ऑफ ब्रेड, जिसमें क्या है, एक प्याज है, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा है, एक रोटी है, अ बाउल ऑफ पल्स,
विद मिल्क, और बता रहा है कि अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरा दाल दूध के साथ, अर्थात एक कटोरी दूध और एक कटोरी दाल, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर शामिल होता है, जो इनका एक एक टाइम का भोजन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक प्याज है, एक रोटी है, दूध के साथ एक कटोरा है और दाल भी है, एक कटोरी दाल और एक कटोरा दूध, और शायद बकरी के दूध का पनीर, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर, नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ना तो चाय, ना तो कॉफी, ना तो वसा अर्थात चिकनाई जिससे घी हो गया उसकी बात कर रहा है, नो फैट, नो स्वीट्स, ना तो मिठाई और ना ही मीट, ना तो मांस, गोश्त भी नहीं मिल पाता है। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, $100 अ ईयर, $100 वर्ष भर में $100 की कमाई, एक सप्ताह में $2 से भी कम पड़ती है। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। अब बता रहा है कि एक सप्ताह में $2 से भी कम पड़ती है, फिर भी एट इवन, फिर भी ये लोग उन व्यक्तियों को टोकरियां बेचकर, एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स, उन व्यक्तियों को टोकरियां बेच करके जो पहले से गरीब हैं, दीज लिटिल चिल्ड्रेन स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, ऐसे लोग जो इनके इनको खरीदने के लिए बहुत गरीब हैं, उनको टोकरियां बेच करके इतना पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकर्स, इसलिए निसंदेह यही कारण है, इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड चढ़ गए, टूट पड़े, झपटे ऑन मी, मेरी ओर, लाइक लोकर्स, टिड्डियों के दल की तरह, टिड्डियों के दल की तरह ये लोग मेरे ऊपर कूद गए, क्योंकि उन गरीब व्यक्तियों को बेच करके, ये टोकरियाँ बेच करके पैसे कमाना बहुत मुश्किल था। आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिका निवासी अमेरिकन, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, बेशक मैं एक अमेरिकन नागरिक उनके लिए सबसे अच्छा ग्राहक था जो उन्हें कभी मिला था, दे हैड सीन। ये आपकी फोर्थ पैसेज था, चौथा पैसेज था, आइए पांचवा पैसेज देखते हैं। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, आना रुपया, आना आप, आना आप जानते होंगे, आना मतलब पैसा। आई बॉट, मैंने खरीदा वन टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ पैसे में, एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, थोड़े से और अधिक पैसे में एक मैंने फलों की टोकरी खरीदी, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, एक रुपए में रद्दी कागज डालने वाली टोकरी मैंने खरीदी, रद्दी कागज डालने के लिए, रद्दी कागज डालने के लिए एक छोटी सी सुंदर सी टोकरी मैंने खरीदी, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना अ टू पैसे। और बता रहा है कि मैंने एक या दो आने में या कुछ पैसे में कुछ पंखे खरीदे हाथ से, वो बेना जिसको आप बोलते हैं, उसको मैंने खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स,
मेरा हाथ भर चुका था जबकि मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। लेखक कह रहा है कि मेरा हाथ भर गया था, मैंने जो सामान पकड़ा था उन सामानों से जो जो सामान मैंने खरीदा था मेरा हाथ भर गया था लेकिन मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव। कह रहा है कि द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे मेरे पास आए, कहे के लिए आए, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान बेचने के लिए बच्चे मेरे पास आए, शाउटिंग देयर वेयर्स, चिल्लाते हुए अपने सामान बेचने के लिए बच्चे मेरे पास आए। आई वॉज ए प्रिजनर सराउंडेड, कंप्लीटली सराउंडेड, मैं कैदी बन चुका था, चारों ओर से बच्चों ने मुझे घेर लिया था, अनेबल टू मूव, मैं वहां से हिलने में असमर्थ था, मैं हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेखक कह रहा है कि सबसे परिश्रमी तथा जोर लगा करके अपना सामान बेचने वाली 9 वर्ष की बच्ची, 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे परिश्रमी, अग्रेसिव वेंडर, जोर लगाकर अपना सामान बेचने वाली, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 वर्ष की छोटी बच्ची मेरे सामने खड़ी थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वांटेड अ रूपी एंड अ हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर हत्थे वाली टोकरी थी और जिसके लिए वह 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी। शी वॉन्टेड अ रूपी एंड अ हाफ, 1.5 रुपये, 1 रुपये और आधा, 1.5 रुपये चाहती थी अथवा 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, है ना, वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी, अर्थात वह अपने सामान की विशेषता बता रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आँखों में आंसू थे। शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वह आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में ऐसी करुणा थी कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाए। ये लिस्ट आपका पैराग्राफ 5 हुआ। पैराग्राफ 6 आइए देखते हैं, पैराग्राफ 6 एंड लास्ट पैराग्राफ है। माय आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे, आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अंदर बास्केट, ना तो मेरे पास जगह थी और ना ही मुझे अन्य टोकरियों की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरियों को संभालते हुए, एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी टोकरियों तथा पंखों को जो लेखक ने खरीदा था उसको अपने बाएं हाथ में संभालते हुए, आई रिच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपने दाएं हाथ वाली कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर टूटे पैसे, रिजगारी निकाली, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल,
जो लगभग 15 सेंट थे, कुल मिलाकर 15 सेंट थे, विच आई डिपोस्टेड इन द बास्केट दैट द यंगर हेल्ड इम्पोर्टेंटली बिफोर मी, जिन्हें मैंने उस टोकरी में रख दिया जिससे लेकर कि वह छोटी सी बालिका, छोटी सी लड़की मेरे सामने प्रार्थना पूर्वक खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। आई कुड नॉट बाय द बास्केट कि मैं टोकरियाँ नहीं खरीद सकता हूँ, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन इसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन मैंने तुरंत ही अनुमान लगा लिया, मुझे तुरंत ही इस बात का एहसास हो गया कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन राइज्ड हर चिन रिज्ड इन टू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड graciousness of a lady handed the money back to me. This child of 9, इस 9 साल की बच्ची ने dressed in rags, जो कि पुराने फटे कपड़े पहने हुई थी, and on the edge of starvation, और भुखमरी की कगार पर थी, राइज हर चिन उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना सर ऊपर उठाया, रीज इन टू बास्केट और टोकरी में अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड और पूरे गौरव के साथ, सम्मान के साथ, एंड ग्रेसियसनेस सम्मान और गर्व के साथ, ऑन ऑफ अ लेडी एक महिला के जो सम्मान होता है, महिला का जो सम्मान होता है, महिला जैसे सम्मान और गौरव के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी उसने मुझे वह धन वापस लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से तेजी से भाग गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट वह प्लेटफॉर्म से तेजी से भागते हुए किसी घास की झोपड़ी में घुस गई, जहाँ बता रहा है कि उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट हो गए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहानी मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। यह घटना मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैंने उनसे कहा कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया दोज इन द विलेजेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बॉथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप।
द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, इन द विलेजेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वह किसी गांव के हों या किसी ऊंचे पद पर आसीन हों, चाहे वो शहर के हों, हैव बोथ प्राइड एंड लेवली सेंस, सभी लोगों के पास स्वाभिमान और अच्छा व्यवहार है। इसके अलावा बता रहा है कि और क्या है, एंड अ लेवली सेंस ऑफ डिसेंट सिटीजनशिप, और उनकी नागरिकता की भावना, अर्थात सभी लोग में स्वाभिमान है, अच्छे व्यवहार और अच्छी नागरिकता की भावना से ओतप्रोत थे। जितने लोगों से मिला लेखक, दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर भारत के लोगों के अंदर जितने लोगों से लेखक मिला है उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा थी। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वारल एंड पॉवर्टी, जो कि गरीबी में पली बढ़ी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और न तो व्याकरण और न ही उसने व्यवहार के लिए कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त की, हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई। ये टोटल आपका पहला लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस का। अब इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं उनका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लगभग तीन उन पैराग्राफ जो हैं जो उसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट है एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। कंटिन्यू बने रहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।